एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सैन्य नेता नेविन ने किया था तख्ता पलट। कई सालों तक सैन्य शासन के जरिए किया शासन। बिजनेस मीडिया का हुआ था राष्ट्रीयकरण। देश में सैन्य शासन के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन। आंग सान सूची लौटी स्वदेश। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर की थी फायरिंग। गोलीबारी में हुई थी सैकड़ों लोगों की मौत। सैन्य शासन की आलोचना करने पर कई नेता हुए थे नजरबंद। 1990 में देश में हुआ था चुनाव। आंग सान सूची की पार्टी को हासिल हुई थी जबरदस्त जीत। सेना ने सत्ता सौंपने से किया था इनकार। सूची को शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किया गया था सम्मानित। 20 साल बाद पहली बार चुनाव में सेना के समर्थन वाली पार्टी को जीत मिली। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए नतीजों का बहिष्कार किया गया। सूची उपचुनाव में जीत हासिल कर संसद पहुंची। पहली बार सार्वजनिक पद पर काबिज हुई। 1990 के बाद पहली बार स्वतंत्र रूप से हुए आम चुनाव। सूची की पार्टी को मिली भारी जीत। सेना ने प्रमुख शक्तियां अपने पास रखी। सूची को राष्ट्रपति पद से दूर रखना भी सेना की चाल। सैन्य चौकियों पर हुए चरमपंथी हमले। सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों पर की कार्रवाई। सूची ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया था सेना का बचाव। सेना के खिलाफ दर्ज हुआ था नरसंहार का मामला। म्यांमार में 2020 में फिर हुए चुनाव। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को स्पष्ट बहुमत मिला। सेना ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। चुनाव आयोग ने सबूत न मिलने पर किया आरोप खारिज। सेना ने एक साल के लिए देश को नियंत्रण में लिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।